नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर में स्कूली वाहनों पर सख्ती बढ़ती गई है। पुलिस ने स्कूल बसों की जांच की है। प्रबंधन की बैठक लेकर कहा स्कूल बसों में गड़बड़ी अगर मिली तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल भोपाल में स्कूल बस में नर्सरी की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद सागर में एक बार फिर पुलिस और प्रशासन स्कूली वाहनों को लेकर सख्त हो गया है। गुरुवार को जिले भर में पुलिस विभाग की टीमों ने स्कूल वाहनों की चेकिंग की है। स्कूलों में पहुंचकर प्रबंधन से बात की है। पुलिस स्कूलों में पहुंचकर स्कूल बसों सहित अन्य वाहनों की जांच की है। स्कूली बसों के चालकों के संबंध में जानकारी ली है। अचानक पुलिस की चेकिंग देख जिले में हड़कंप की स्थिति बनी। सागर, जरुआखेड़ा, देवरी, रैली सहित अन्य स्थानों पर भी पुलिस ने स्कूली वाहनों की सघन जांच की है। पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पहुंचकर बस संचालकों, ड्राइवर, क्लीनर की बैठक ली है। बैठक में एसपी नायक ने स्कूली बसों में गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ये कहा है और सभी स्कूल संचालक स्कूली बसों की सतत मॉनिटरिंग करेंगे। यदि किसी भी स्थिति में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो बस संचालक के साथ दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हाल ही में प्रदेश के 2 जिलों में स्कूल बसों में घटनाएँ सामने आई हैं, जिनको संज्ञान में लेते हुए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर स्कूलों में जाकर स्कूल बसों में आने वालों की जांच लगातार की जा रही है। अच्छी पहल है सागर पुलिस की और इस तरीके की अगर पहले भी की जाती तो बहुत अच्छा रहता। जब घटना घटित हो जाती कहीं तब ज़्यादा अलर्ट समझ में आने लगता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।